यह दोस्तों हमारा रूम, ये रूम की हमें वायरिंग करना है जिसमें हमें पॉइंट देना है। एक पॉइंट हमारा वो है, चार पॉइंट ऊपर, एक दो तीन और एक चार, और एक पंखे का पांच, और एक पॉइंट ये आएगा छः, और एक पॉइंट ये आएगा सात। सात पॉइंट है दोस्तों, और एक नीचे है फुट लैम्प का आठ। आठ पॉइंट लेना है। इसमें हमें यहाँ से वायरिंग उठाना है, जो कि हमने स्प्रिंग डाल दी है, देखिए ये स्प्रिंग डाल दी है। वहाँ से हमें सर्किट यहाँ तक लाना है। ये हमारे सर्किट के पॉइंट आ रहे हैं। ये हमारा सर्किट और एक पॉइंट हमारा जो कि ये बोर्ड में आ चुका है। अब इसको हम खोल के गठान मार लेते हैं, फिर आपको आगे चलते हैं कि इसका पॉइंट कैसे बनाते हैं हम बताते हैं। ये हमने खींच लिया और यहाँ गठान मार लिया। गठान इसलिए मारी है ताकि हमारे वायर रिटर्न वापस ना खिंचाए। ये दोस्तों हमारी स्प्रिंग आ गई। अब इसमें हमें हाफ बांधते हैं, रेड और ब्लैक वायर 1 mm का जो कि हाफ का है हमारा। ये हमने वायर डाल दिया और ये खिंचा के हमारा इधर आ गया जो कि ठीक है दोस्तों। अब हम इसको डालेंगे आगे इधर और न्यूट्रल को लूप कर लेंगे। देख सकते हैं हम वायर डाल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे रहते हैं दोस्तों, इसलिए हमें काम करने में काफ़ी दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ये हमने वायर खींच लिया। हम न्यूट्रल को थोड़ा लंबा कर लेंगे। हमें इसका नाप करके यहाँ से नाप लगाते हुए हमें ये बोर्ड तक लेके आना है। ये बोर्ड देख सकते हैं आप, ये बोर्ड है हमारा। अब इसका नाप लगाते हुए हम लाते हैं कि इसका नाप कैसे लें। ये देखिए दोस्तों, ये लाया हमने वायर, ये लगाया हमने इसका नाप, ये बोर्ड तक हम ले आए। देख सकते हैं इसकी हाइट दिख रही है बोर्ड की, यहाँ तक ले आए और ये हमारा नाप हो गया। ठीक है दोस्तों, ये हमारा परफेक्ट नाप हो गया। ये वायर हमें काट लेना है, लगा देंगे हमने, और इसमें हमें गठान मार देना है। ठीक है दोस्तों, ये गठान मार दी हमने। नाप लेना है इस वायर के हिसाब से, जो वायर आया हुआ है ये वाला वायर, इसके हिसाब से हमें पूरे वायर नाप लेके करना है। काला और लाल वायर जो कि हमारे यहाँ का लाइट का पॉइंट है, ये हमारा लाइट का पॉइंट है। अभी हमें इसे खींच रहे हैं। ये दोस्तों, ये हमने इसमें टेप मार लेते हैं, ये हमारे यहाँ के लाइट का पॉइंट हो जाएगा। यहाँ पे हम स्प्रिंग डाल देंगे आगे के लिए। ये दोस्तों हमारे लाइट है, ठीक है। अब ये काला वाला वायर हमें गठान मार देना है और छोड़ देना है। यहाँ से टेप कर देते हैं और नाप लगा देते हैं दोनों वायर।
हैं क्योंकि ये बोर्ड से, ये बोर्ड में लूपिंग करना पड़ेगा। हमने पंखे का वायर इस बोर्ड से ले लिया है और ये न्यूटन जो कि हमने इस बोर्ड से उठा लिया है, इसलिए उठा लिया है ताकि इस तरफ से भी उठा सकते थे, लेकिन इस तरफ इसलिए नहीं उठाए क्योंकि इस तरफ ज़्यादा वायर जाएंगे और वायर ज़्यादा जाएंगे तो उसमें वायरों में खींचने में दिक्कत जाएगी, इसलिए हमने नहीं डाला उधर का। अब डाल लेते हैं एक आला पॉइंट, एक आला पॉइंट। अब हमें ये वायर को इकट्ठे कर लेना है और टेप मार लेना है और दोस्तों वायर गिन लेना है कि कितने वायर क्या जाएंगे इस बोर्ड में ताकि छूटे नहीं, क्या होता है कभी कभी गलती से वायर छूट जाते हैं, इसलिए ये देखिए इस टाइप का होता है जब हमारे वायर खुल जाते हैं। दोस्तों हमारे वायर आ गए, अब इनको हम यहाँ बैठान मार देते हैं, फिर बाद में लूप करेंगे। ये हो गया पूरा इधर का सर्किट, ये पूरे वायर लूप हो जाएंगे यहीं पर, यहीं से पंखा चालू हो जाएगा। ये आप हमारे वायर वहाँ तक चले गए देख सकते हैं आप, तो इसको काट लेना और इसको बैठा मार लेना। ये दोस्तों वायरिंग हो चुकी है, बाकी टूट करना है। अब ये वायर हमारे ये बोर्ड में पूरे आ चुके हैं, ये इनकी वायरिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। जी मारो बैठा, ओके ये हो गया दोस्तों हमारा फाइनल। अब दोस्तों हमें ये जो सर्किट उस रूम का आया जहां हमने वायरिंग करी है, इसको हमें उस एमसीबी बॉक्स तक पहुंचाना है, तो इसका नाप लगा लेते हैं। नाप कैसे लगाते हैं देखिएगा, ये आ गया हमारा वहां से चला गया वहां से आ गया। Thank you.
7 इंच।